तो अभी हमने इसके पहले जो किया था क्रिया वो थी जल नेति और ये क्रिया है रबड़ नेति। ग्रंथों में तो सूत्र नेति का वर्णन मिलता है, 9 इंच सूत्र का एक धागा सा बना, धागों से निर्मित होता है वो, और 9 इंच जो है लंबा होता है उसको हम लोज से इंसर्ट करते हैं और मुख से उसको पकड़ करके थोड़ा देर चला बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब उसकी जगह थोड़ा सा इजी कर दिया गया, रबड़ से ये करते हैं, इसको रबड़ नेति कहते हैं। कैसे करते हैं ये एक बार ध्यान देंगे, और इसके वही लाभ जो हमने जल नेति के लिए बताए थे कि गले के ऊपर कैसे भी समस्या है, जुकाम के लिए, नज़ला के लिए, आँखों का कोई प्रॉब्लम है, हेडेक है, माइग्रेन है, गले के ऊपर कैसे भी समस्या है तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्रिया। कैसे करेंगे एक बार देख लेंगे। ऐसे पकड़ना है, दूर नहीं पकड़ना है बिल्कुल, इसका यहाँ नहीं पकड़ लेना है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से पकड़ना है, इतना लगभग छोड़ के रखना है। आप पहले देख लें कौन सा नॉस्ट्रल आपका ज्यादा चल रहा है, उससे इसको पहले स्टार्ट करें। आपका लेफ्ट या राइट घेड़ा या घेड़ा ज्यादा चल रहा होता है, हल्का सा मुंह खोल के रखना होता है, और ये ऐसे इनको अभ्यास है तो इन्होंने फटाफट कर लिया। बाकी आप पहले एक दो बार डालेंगे तो छींकें आएंगी आपको, है ना, खांसी आएगा, और इन्होंने इसी तरीके से ऐसे पकड़ लिया इसको, आगे पीछे रख किया, और फिर प्रेशर नहीं, ज्यादा प्रेशर नहीं है सर, ठीक है। दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरी तरफ से नोज से इंसर्ट किया, बिल्कुल इजी जगह, ठीक है ना ये। और इसको आप रोज कर सकते हैं, आंखों की समस्या के लिए, हेडेक है, सर दर्द है, साइनस सुबह कर लो, ब्रश करो उसको, जी भी करो और तुरंत इसको पटक। कितना टाइम लगा इसको करने में, अभी 1 मिनट भी टाइम नहीं लगा, अभ्यास हो जाएगा तो आपको 30-40 सेकंड में आपको लगेगा, ठीक है। आप देखो कि हल्का सा ये इनको आंसू में आंसू आ जाए, तो ये कनेक्टेड है नेजल कैविटी से, लेकिन अभी ये न्यूरॉन से आपका कनेक्टेड है आंखों के लिए, तो उनके लिए ये अभी से अभ्यास जो है कराया जा सकता है। थैंक यू।